Before I start exploring Dwarka completely, I decided to pay my visit to the Queen of Dwarka first. और ऐसा भी माना जाता है कि द्वारका की यात्रा अधूरी है विदाउट विजिटिंग रुक्मिणी टेम्पल। माना जाता है कि ये मंदिर 2500 साल पुराना है। Don't miss the richly carved exteriors of the temple. They are beautiful. मंदिर के बाहर आपको जय द्वारकाधीश की आवाज लगाते हुए कुछ बाबा भी मिल जाएंगे। आपसे कोई पैसे तो नहीं मांगेगा, लेकिन अगर आपने दिए तो आशीर्वाद सब साथ में हाथ उठाकर जरूर देंगे। Just about 4 kilometers from Rukmini Temple is Nageshwar Jyotirlinga. पुरानों के हिसाब से there are about 12 Jyotirlings और गुजरात में उनमें से दो हैं. Fortunately, in this ride we are going to cover both of them. One is Somnath and the other is Nageshwar. Also very proudly I keep saying this, भोलेनाथ मेरे को हमेशा बुलाने से चूकते नहीं हैं। कुछ ड्यूअलिटी तो है, पर यहाँ लोगों के हिसाब से माना जाता है कि शिव पुराण में जिस दरुका वन का वर्णन किया गया है वो यही नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। Also, it's a very beautiful feeling. हम कृष्ण की नगरी द्वारका में हैं
और महादेव के स्थान पे। This is constructed in 2016 by the Reliance Group. We are at Panchnath Teeth. ये पांचों पांडवों का कुंड है। आसपास के जितना एरिया है वहाँ पे खारा पानी होता है और ये कुंड में से मीठा पानी निकलता है। बहुत मीठा पानी है। ये ट्रिप द्वारकाधीश टेम्पल आए बिना पूरी नहीं हो सकती थी। आई जस्ट विटनेस्ड वन ऑफ द बेस्टेस्ट आरतीज। ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजंस यू कांट ब्रिंग योर फोन एंड कैमराज इनसाइड, बट ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है आपको यहाँ आके खुद लेना चाहिए। हम सब अपने आप में कहानियां हैं और हर कहानी एक दूसरे से जुदा है क्योंकि हमारे अनुभव अलग अलग हैं। When you come here from metro cities and listen to these stories, your mind takes a pause for a second. But when you realize that they have their own experiences to back it, everything changes. Stories here in Dwarka were really overwhelming. But as a seeker and as an explorer, I can't wait how this epic ride is going to turn out for me. All I want to say before I start the next leg of my journey is Jai Dwarkadish.